हेलो गाइस, मैं नीतीश आर्ट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऋतिक रोशन का वाटर कलर पेंटिंग बनाऊंगा और मैं किस तरह से वाटर कलर यूज करता हूं वो भी बताऊंगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो अगर अभी तक मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूरे फेस में लाइटली रंग भरूंगा, जहां तक फेस आ रहा है वहां तक मैं पूरे सबसे पहले लाइटली रंग कम और पानी को ज़्यादा यूज करके लाइटली मैं भरूंगा। और उसके बाद मैं आइज़ को बना रहा हूं, जिसमें जहां पे साइड से डार्क है और बीच में ब्राउन है, तो बीच में मैं ब्राउन कलर देकर और साइड से डार्क करके मैं इसे बना रहा हूं। आप देख सकते हैं इसमें है जैसे इस तरीका से। और मैं आईब्रो को पहले ब्राउन यूज कर रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। ब्राउन यूज करने के बाद अगर आप ब्लैक पहले यूज करते हो तो मिस्टेक होने के बाद इरेज नहीं होगा, और ब्राउन करते हो तो आप इरेज कर सकते हो, उसे मिक्स कर सकते हो फेस में। तो इसीलिए मैं पहले यूज का और दूसरे आइज को भी मैं सेम तरीका अपना रहा हूँ, बीच में ब्राउन और साइड से ब्लैक है ब्लैक। और आप सबसे पहले ब्रश की नोकीली साइड से रंग ले और उसके बाद ब्रश को ऐसे दबाकर भरे ताकि ऊपर की साइड डार्क है और नीचे की साइड लाइट और रंग मिक्स भी हो जाए। दूसरे आईब्रो को भी ड्रो कर लिया और ड्रो करने के बाद जहाँ पे डार्क है वहाँ पे मैं डार्क यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पानी के साथ मैं इसे मिक्स करूँगा, और पानी के साथ मैं मिक्स करने के बाद मैं इस पर यूज करूंगा। अब हाईलाइट के लिए मैं वाइट कलर लिया हूं और वाइट कलर यूज करूंगा जहां पे हाईलाइट है। आप फोटो को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, जहां पे हाईलाइट है वहां पे आप हाईलाइट यूज करिए, और जहां पे डार्क है वहां पे ब्राउन कलर अपने फेस कलर यूज करिए, ब्लैक कलर नहीं यूज करिए। और इसी की तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी देख सकते हैं इससे मुझे मिस्टेक हो जा रहा है। ये ब्रश उतना अच्छा नहीं है, नोकीला लोकल है, मैं इससे ड्रो नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। तो इसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल लूँगा 0.5 का, उससे मैं ड्रो करूँगा। और ड्रो करने के बाद मैं उस पर पानी से मैं पूरे जहाँ जहाँ पे ड्रो किया था वहाँ पे कर दिया हूँ। और इसके बाद लिप्स को तैयार कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट है, वहाँ पर मैं वाइट कलर यूज कर रहा हूँ ताकि पेंटिंग 3D की तरह दिखे, काफ़ी अच्छा दिखे। तो मैं यूज कर लिया हूँ, और मैं पूरे इसे जहाँ पे डार्क है जहाँ पे लाइट है जिस तरीका से फ़ोटो को ऑब्जर्व करके मैंने कर लिया। और आईब्रो को लिए मैं इसलिए ब्लैक पहले ब्राउन यूज किया था ताकि मिस्टेक ना हो, नहीं तो मिस्टेक होने के बाद ब्लैक कलर पेंटिंग को ख़राब कर देता है। तो इसके बाद मैं दोनों ईयर ड्रो कर लेता हूं। ड्रो करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा पेंटिंग कुछ इस तरीका से दिख रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आऊंगा। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे वीडियो को, और लाइक शेयर कर देना। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।